जीएनएम अच्छा कोर्स है भाई, मेडिकल फील्ड के लिए सर अच्छा कोर्स है। तो जीएनएम करने से लेके और नर्सिंग ऑफिसर बनने तक इस गवर्नमेंट की जो फीस, तो काफी सारे बच्चों का जो एक सवाल होता है, राजस्थान में तो बोनस से ही परमानेंट होता है स्टाफ। जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स, भाई कोई 12th पास अभ्यर्थी हो तो वहाँ तक आपको ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी चीजों के बारे में जानकारी पता चले। जैसे आप अभी कॉलेज में पढ़ा रहे हो जीएनएम नर्स, के बाद में स्टाफ नर्स के रूप में नर्सिंग में हॉस्पिटल लाइन को छोड़ के टीचिंग लाइन में जाना चाह रहा है, तो क्या कुछ आगे इसके बताए? 2-3 साल का उसे एक्सपीरियंस लेना पड़े। ये जीएनएम कैंडिडेट के बारे में जानकारी थी। पहला क्वेश्चन जल्दी पूछेंगे आपसे, पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ सामने। तो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर, और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स, जो आपका जीएनएम नर्सिंग कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, उसके बारे में। तो उसके सभी कुछ प्रस्पेक्टिव जो भी होते हैं, सभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे होता है, क्या उद्देश्य है और क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसमें कितनी आगे आपको सैलरी मिलेगी, क्या स्कोप है, किस तरह से पढ़ाई होती है, आप 12th के बाद कर सकते हो नर्सिंग जीएनएम कोर्स या फिर 10th के बाद कर सकते हो, तो सभी कुछ चीज़ें बात करेंगे अपन। और हमारे साथ में है आज मेघराज जी, और आप अपना इंटरव्यू दे दो सामने। नरेश जी, तो अभी ये है जीएनएम के, एक तरह से समझ लीजिए टीचर ही है, तो उनको ये एक तरह से स्टडी कराते हैं। आपका नाम और आपकी क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ है। मेरा नाम नरेश मेघवाल है और मैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग? हाँ। आपने की है बीएससी नर्सिंग? हाँ, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट। ठीक, अभी तो आप, अभी आपका कार्य क्या है मतलब? अभी मैं नर्सिंग स्कूल में पढ़ाता हूँ। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाते हो? हाँ। मतलब कौन सा कोर्स अभी आप? जीएनएम कोर्स पढ़ाता हूँ। सिर्फ जीएनएम कोर्स को अभ्यर्थियों को पढ़ाते हो ना? हाँ। ठीक है, बात करेंगे अपन। तो जीएनएम जो अपना जनरल नर्सिंग कोर्स होता है, तो काफ़ी सारे बच्चों का जो एक सवाल होता है कि जीएनएम जो कोर्स होता है इसको अपन 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? 12th के बाद कर सकते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वाले तीनों ही कर सकते हैं। ठीक, तो जीएनएम नर्सिंग जैसे 10th के बाद अभी चल रहा, नहीं चल रहा मामला? जैसे पहले 10th के बाद नहीं कर सकते? नहीं, पहले तो कर रहे थे ना 10th के बाद में। नहीं नहीं, वो 10th के बाद वो असिस्टेंट का कोर्स है, जनरल असिस्टेंट का। नहीं नहीं, 10th के बाद शायद आर्ट्स वाले भी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, 10th के बाद नहीं, 12th के बाद ही हो सकता है। अच्छा, 12th पास करना चाहिए कहीं है ना? ठीक है, तो 12वीं पास अभ्यर्थी कौन से सब्जेक्ट में हो? ऑल सब्जेक्ट, कोई से भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स वाला या साइंस? साइंस मैथ्स चल जाएगा, साइंस मैथ आर्ट्स वाले भी चल जाएंगे, कॉमर्स वाले भी चल जाएंगे। मान लीजिए अभी किसी 12वीं पास कोई अभ्यर्थी है ना, जिसने बायो से पास की है या फिर मैथ्स से पास की है, तो उसको कितने प्रतिशत क्वालिफिकेशन होना, नंबर होना जरूरी है? मिनिमम 45% 45% होना चाहिए 12th में, परसेंटेज होनी जरूरी है, तब जाके वो जीएनएम कोर्स कर सकता है। तब जाके जीएनएम, किसी ने जीएनएम में एडमिशन लेना चाहा तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? जैसे आप अभी कॉलेज में पढ़ा रहे हो जीएनएम नर्सिंग, तो आपको पता होगा भाई एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? एडमिशन प्रोसेस तो होता है, जो अपने आरएनसी रहती है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, वो फॉर्म निकालती है, उस फॉर्म में भरता है। भाई किस तरह से रहता है ये फॉर्म निकालती है? उसको फॉर्म को भरता है स्टूडेंट, और फिर उसमें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज उसके नंबर आते हैं, काउंसलिंग वगैरह होती है, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग। दो तरह से होता है एडमिशन जीएनएम में, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट। एक तो गवर्नमेंट के हिसाब से हो जाता है, और यदि सीटें खाली रह जाती है तो फिर यदि गवर्नमेंट अलाउ करती है तो कॉलेज के स्तर पे भी हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसमें बात करनी है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट से सिलेक्शन लेना चाहे तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? गवर्नमेंट सिलेक्शन से पहले उसको फॉर्म भरना पड़ेगा आरएनसी के पोर्टल पे। अच्छा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर जो आरएनसी है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिस्ट निकालेगी, काउंसलिंग लिस्ट, और उस काउंसलिंग अकॉर्डिंग फिर उसको कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे वो भरता है और एडमिशन हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई अभ्यर्थी 12वीं पास की है उसने, तो वो अगर जीएनएम सरकारी से करना चाहेगा तो वो आरएनसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरेगा। हाँ, फॉर्म भरता है, फिर काउंसलिंग होगी, फिर काउंसलिंग होगी और परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज। एग्जाम होता है क्या उसके अंदर? जो नहीं नहीं एग्जाम नहीं होता। अच्छा, डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर? परसेंटेज। और दूसरा मेथड होता है एक प्राइवेट का। हाँ, प्राइवेट से कैसे लेंगे सर? यदि आरएनसी अलाउ करती है, कॉलेज को अलाउ करती है, आप अपने बेस पे एडमिशन ले सकते हो, तो जाके फिर कॉलेज है वो अपने बेस पे एडमिशन ले सकता है। फीस कितनी रहती है इसमें? फीस गवर्नमेंट की जो फीस है वो तो 60,000-60,000 रुपये 60,000, और कॉलेज की वही है 60 के लगभग। नहीं नहीं, 60,000 थोड़ी, मैंने सुना था शायद 1-2 हज़ार रुपये ही लगता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से यदि अपन नर्सिंग कर रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिले ना तो उसमें फिर कम लगते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी यदि प्राइवेट कॉलेज में उसका नंबर आया काउंसलिंग में तो फिर वहाँ पे 60,000 मिनिमम फीस। 60,000 लगते हैं ना? हाँ। स्कोप के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको देख छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं सबसे पहले जनरल नर्सिंग जो जीएनएम है, इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं? जैसे कितने साल की होती है नर्सिंग? 3 साल की कोर्स होता है, और जिसमें इंटर्नशिप भी एड है 6 महीने की। यानी 3.5 साल का कोर्स हो गया? नहीं, 3 साल में ही एड है वो, 6 महीने की इंटर्नशिप भी। अच्छा, 3 साल के अंदर ही आ गया?
नहीं आ रहा छः महीने नहीं, नहीं, नहीं अब नहीं, वो 2015 से पहले था, 2015 के बाद भी तीन साल के कोर्स में ही इंटर्नशिप भी ऐड हो गई। अच्छा अच्छा 2015 के पहले इंटर्नशिप। हाँ। बीएससी नर्सिंग में रहता है ना। हाँ हाँ। फिर चार साल के अंदर ही हो जाता है वो। तो कितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें, मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करें अपन, जीएनएम, कोई जीएनएम नर्सिंग वाला हो, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उसके? फर्स्ट ईयर के चार सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और नर्सिंग फाउंडेशन। और सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में एमएसएन मेंटल सर्जरी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तीन सब्जेक्ट उसमें रहते हैं। तीन सब्जेक्ट सेकंड ईयर में। हाँ। और थर्ड ईयर में? दो सब्जेक्ट सर थर्ड ईयर में रहते हैं, गायनिक मिडवाइफ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। इसमें कितने एग्जाम लगेंगे अपने जो टोटल? पर सब्जेक्ट का एक एग्जाम रहता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में चार एग्जाम लगेंगे, चार सब्जेक्ट है तो चार सब्जेक्ट, और सेकंड ईयर में जो एमएसएन सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उसके दो एग्जाम होते हैं, बाकी दो सब्जेक्ट वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो चार एग्जाम सेकंड ईयर में और दो एग्जाम थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में टोटल मिला के चार लगभग दस एग्जाम, टोटल मिला के दस एग्जाम है। मान लीजिए जीएनएम अपने ये तीन साल पूरा कर लिए, अब छः महीने की इंटर्नशिप होगी अपनी, है ना, या उसके अंदर ही आ गई? उसके तीन साल के अंदर ही आ गई, वो थर्ड ईयर का पार्ट है वो। उसके आगे की प्रोसीजर भाई पंजीकरण चाहिए होता है ना? हाँ, उसके बाद आरएनसी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ से आ जाता है नर्सिंग का काउंसिल का ना पंजीकरण। इसमें आरएन और आरएम नंबर दोनों आते हैं बीएससी नर्सिंग का? हाँ हाँ। अच्छा, कि इसमें फिर आगे अपन को स्कोप क्या है जीएनएम करने के बाद में? जीएनएम करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर का स्कोप है, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जैसे क्या क्या कर सकते हैं? प्राइवेट से जैसे हॉस्पिटल हो गया अपना, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए है ना, और जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्री के हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, इधर से किसी संस्था के हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में अपने पास गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा में सुविधाएं चलती है मोस्टली 108 में लग सकते हैं। हाँ, 108 यूनिट रहती है उसमें लग सकते हैं। हाँ हाँ। कि मान लीजिए जीएनएम तो होता है शॉर्ट डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग होती है डिग्री। दोनों में से बेस्ट क्या रहे अगर करे तो, जैसे जीएनएम, क्योंकि बहुत सारे का मन में रहता है कि करे क्या क्या नहीं करे। यदि स्टूडेंट आर्ट्स से हैं तो फिर जीएनएम ही कर सकता है, बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपको बायोलॉजी चाहिए साइंस में। अच्छा अच्छा, मतलब 12th में किसी के आर्ट्स है तो जीएनएम कर सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। और 12th में अगर बायोलॉजी है तो फिर वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है, दोनों कोर्स कर सकता है वो, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, जीएनएम बीएससी दोनों। अच्छा, ये बात तो बहुत सारे के सवाल है कि क्या जीएनएम जो कोर्स होता है ये महिलाओं के लिए है, सिर्फ जेंट्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, महिला और पुरुष दोनों के लिए ये रहता है, बीएससी नर्सिंग भी। हाँ, बीएससी नर्सिंग भी और जीएनएम भी। जीएनएम करने के बाद में स्टाफ नर्स के रूप में जो है अपन काम कर सकते हैं आगे, जैसे कि मैं बताऊँ आगे, कम्युनिटी नर्स हुई, सोशल नर्स हुआ। हाँ। मिडवाइफ नर्स हुआ, क्लिनिकल नर्स हुआ, इमरजेंसी नर्स हुई, या लीगल कंसल्टेंट, मेंटल हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग टीचर, अभी सीएचओ की एक नई पोस्ट भी आई है, वो भी शायद उसमें अपन कैसे बनेंगे? मान लीजिए कोई जीएनएम कैंडिडेट है, वो सीएचओ कैसे बनेगा? सीएचओ एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम फाइट करना पड़ता है, उसके बाद बनता है। सीएचओ का एग्जाम होता है ना? सीएचओ का एग्जाम होता है। तो सीएचओ का एग्जाम में मतलब ये मेन किस पे फोकस करती है सीएचओ? मेन तो कम्युनिटी हेल्थ पे आधारित है। अच्छा। हाँ। वर्क क्या रहेगा इसमें, मान लीजिए वर्क रहेगा कम्युनिटी हेल्थ को संभालने का, पूरा डाटा वगैरह कलेक्ट करने का, और जो अपनी समाज में जो भी डिजीज रहेगी उसके ऊपर रहेगा। और जीएनएम कोई नर्स कैंडिडेट है वो अगर मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहिए एम्स में, तो वो कैसे बनेगा जीएनएम से नर्सिंग ऑफिसर तक? जीएनएम कर रखी है यदि उसने, तो उसको फिर दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके वो एम्स का यानी नॉर्सेट का एग्जाम दे सकता है। ओ, पोस्ट बेसिक कर रखी हो पोस्ट बेसिक कर रखी तो डिग्री हो गया, फिर तो डायरेक्ट एग्जाम दे सकता है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उसके लिए, है ना? फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जीएनएम वालों को अभी आप पढ़ाते हो तो क्या कुछ रहता है आपका प्रोसीजर? चलो पहले एज बताओ, एज की क्या रहेगा क्राइटेरिया? एज जो है वो 17.5 साल का होना चाहिए कैंडिडेट जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए। जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए मान लो कोई 12th अभ्यर्थी है, उसको 12th पास कर ली उसने, उसकी एज 17 से 17.5 से 17 है, तब जाके वो एडमिशन ले पाएगा। सैलरी कितनी मिल जाएगी इनको अगर ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में काम करेंगे तो? हालांकि हालत खराब है उनको याद है प्राइवेट की, तो सब जानते हैं कि राजस्थान में प्राइवेट की सैलरी क्या है क्या, बाकी गवर्नमेंट का तो ठीक ठाक ही है, सेकंड ग्रेड में काउंट होता है तो उस हिसाब से सैलरी मिलती है। तो आप अभी जीएनएम कैंडिडेट को पढ़ाते हो ना? हाँ। तो क्या कुछ मामला रहता है बताओ थोड़ा सा, किस तरह से पढ़ाते हो? पढ़ाने का तो ये रहता है जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट ऊपर कमांड होनी चाहिए टीचर की, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट को, पहले तो सेटिस्फाइड करना पड़ता है, जिस पर टॉपिक है हम भी पहले टॉपिक तैयार करके ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। कि हम खुद क्लियर करते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं, समझ में नहीं आता फिर दोबारा बताते हैं। पढ़ाई हिंदी में होती है इंग्लिश में होती है? हिंदी इंग्लिश दोनों।
अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों, हाँ, दोनों और बीएससी नर्सिंग की वो सिर्फ इंग्लिश में होती है और जेएनएम हिंदी इंग्लिश दोनों, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहता है। दोनों कैसे पढ़ाते हो यार? एग्जाम लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चे, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, उसमें जिस बीच में आपने इंग्लिश के वर्ड यूज कर लिए और उस लाइन हिंदी में लिखा, उस प्रकार से होता है। मेरा नाम मेघराज वर्मा है, मैंने भी बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तीनों ने हमने बीएससी नर्सिंग की हुई है। तीनों ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। ठीक, तो बताओ जीएनएम कोर्स के बारे में और कुछ आप बताना चाहो स्पेशल। जीएनएम जैसा तो बता ही दिया भाई, लगभग मान लो कोई 12th पास अभ्यर्थी जीएनएम करने के बारे में सोच रहा हो, उसके लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जीएनएम अच्छा कोर्स है भाई, मेडिकल फील्ड के लिए सर अच्छा कोर्स है। नर्स जो भी काम करती है हॉस्पिटल में, जीएनएम कैंडिडेट है वो नर्सिंग में हॉस्पिटल लाइन को छोड़ के टीचिंग लाइन में जाना चाह रहा है, तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? टीचिंग के लिए तो लगभग आपका बीएससी नर्सिंग होना ही जरूरी है। अच्छा, बीएससी नर्सिंग ही होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है, तभी अपन मतलब टीचिंग कर सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा था भाई, जीएनएम जो कैंडिडेट है वो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। बाकी बीएससी नर्सिंग यदि आपने की डिग्री तो आप पढ़ा सकते हो। अगर जीएनएम पढ़ाना चाहे तो उसके लिए उसको पोस्ट बेसिक बीएस वो करना पड़ता है, दो साल का जो कोर्स। अच्छा, फिर वो पढ़ा सकता है मतलब, फिर उसके बाद वो मतलब लगभग बीएससी नर्सिंग के इक्वल, उसके इक्वल आ जाता है वो। अच्छा, वो आराम पढ़ा सकता है अगर भाई टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो। टीचिंग में, हाँ, बाकी एम्स के लिए भी पोस्ट बेसिक करते हैं इसे ही कुछ। टीचिंग में वैकेंसी कम आती है अपने? हाँ, टीचिंग ही कम आती है, टीचिंग में तो कम ही है। नर्सिंग फील्ड में तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। अभी 2024 चल रहा है, अभी कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है अपने राजस्थान में रनिंग में, जो पूरी नहीं हुई है चल रही है? रनिंग में तो परमानेंट स्टाफ नर्स बोनस वाली चल रही है, बोनस वाली। उसके अलावा CHO का हुआ ही से एग्जाम अभी, उसके पहले NHM का हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन स्टाफ नर्स का। तो ये लगभग 3 वैकेंसी हैं रनिंग में। तो कोई जीएनएम कैंडिडेट है वो अपने राजस्थान में शिफू जो भर्ती चलती है ना, इसमें राजस्थान में तो बोनस से ही परमानेंट होता है स्टाफ। तो मान लो वो नर्सिंग ऑफिसर बनेगा बोनस से, तो जीएनएम करने से लेके और नर्सिंग ऑफिसर बनने तक मतलब कैसे बनेगा, शॉर्टकट में थोड़ा समझाना उसको, जितनी तुम्हें जानकारी याद है। उसका ये है कि भाई अगर कोई जीएनएम कैंडिडेट है या कोई भी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, उसके लिए उसको लगभग 3 साल तक तो हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ेगा। नहीं, पहले तो उसने नर्सिंग पूरी कर ली। नर्सिंग पूरी करने के बाद डिप्लोमा डिग्री हो गया उसका, डिग्री हो गया, करेगा वो बाद में। उसके बाद वो संविदा पे काम करेगा, संविदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी गवर्नमेंट संस्था में। अच्छा अच्छा, 2-3 साल का उसे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस का ये मतलब 1 साल का 10% बोनस जुड़ता है अपने पास राजस्थान में। राजस्थान में तो 3 साल तक वर्क कर लेगा, मैक्सिमम 3 साल ही माना जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो 3 साल तक कर लेगा तो 30% उसके काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के 50% है और उसने 3 साल तक वर्क कर लिया तो उसके लगभग 80% काउंट हो जाएगा। हाँ, एवरेज निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है, वैसे रहता है। फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो इस पे परसेंटेज बेस पे निकलती है। हाँ, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता। तो एग्जाम किस में होता है फिर राजस्थान में? एग्जाम तो जैसे CHO में हुआ, अभी नई पोस्ट है यहाँ, नई पोस्ट है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हाँ, और उसके बाद ये NHM में हुआ है, NHM में। हाँ, दोनों में एग्जाम हुआ है, जो कि संविदा भर्ती है, और जो परमानेंट भर्ती है वो बोनस से हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये GNM कैंडिडेट के बारे में जानकारी थी भाई, कोई 12th पास अभ्यर्थी हो तो वहाँ तक आपको ये वीडियो शेयर करना है, ताकि उनको भी चीज़ों के बारे में जानकारी पता चले भाई GNM करने के बाद में क्या कुछ आगे इसके पता है। और आज सभी कुछ चीज़ों के बारे में अपन ने बात कर ली। एक और सवाल कर लेते हैं, GNM जो कैंडिडेट है उसका फ्यूचर क्या है आउट ऑफ कंट्री अगर वो जाए तो? आउट ऑफ कंट्री जा सकता है, उसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम वगैरह उसको क्लियर करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता है। चलो, ये भी सही है। तो और कुछ आपके विचार बताना चाहो? GNM, BSc नर्सिंग और तीसरा एक और कोर्स होता है ना महिलाओं के लिए, कौन सा होता है वो? ANM होता है। तो ये चीज़ें थी, ये जानकारी थी GNM कोर्स के बारे में, और आपको उम्मीद है अच्छी जानकारी मिली होगी मेघराज शर्मा जी और इनसे नरेश जी से, ठीक है। तो जो भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करना, ताकि हम जो है उनका रिप्लाई दें, और भी अपन जानकारी लेके आएंगे जल्दी ही इस चैनल पे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।